नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आयुष कुमार तिवारी और मेरा विषय है संविधान, भारत का संविधान। और उसमें आज हम फंडामेंटल राइट्स कवर करेंगे। और ये हम कॉलम छोड़ रहे हैं इस तरफ क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में जो जो भी संविधान संशोधन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो अपन यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब जानते होंगे, हर साल परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनते ही है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की, ठीक है, इसके इतिहास की बात करते हैं कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की चर्चा कहाँ की गई, कहाँ इनकी बात की गई, सबसे पहले कहाँ आई, किस देश में इसकी बात की गई। ठीक है, तो अपन एक तो हम एक सन लिखते हैं 1215, 12वीं सदी की बात करते हैं, 12-13वीं सदी के बीच की बात है। 1215 में इंग्लैंड में एक राजा हुआ करता था, क्या नाम था उस राजा का, किंग जॉन करके एक राजा था। तो वहाँ एक बहुत ही शानदार क्रांति हुई थी, शानदार क्रांति बोला जाता है इसे, क्योंकि वहाँ कोई मार काट नहीं हुई है, आसानी से मतलब जल्दी राजा मान गया था, पीसफुल रिवॉल्यूशन कहा जाता है इसको। ठीक है, पीसफुल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुई थी, तो वहाँ के राजा ने वहाँ के जो नागरिक वर्ग था, वहाँ के जो मजदूर थे, उनको क्रांति जिनने की थी, उनके लिए कुछ अधिकार दिए, क्या दिए, अधिकार, अधिकार जिनको क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा, इनको मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अधिकार पत्र। ये बात समझ में आई, ये है इसकी बैकग्राउंड, मतलब सबसे पहले इंग्लैंड में यहाँ बात हुई। ठीक है, अब ऐसी बहुत सी क्रांतियां हुई, इसके बाद हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जो सन है वो है 1789 का। 1789 में क्या हुआ, 1789 में USA संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हुआ तो यहाँ के नागरिकों को संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए गए जिन्हें बिल ऑफ राइट कहा गया, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो इसी और इसी को मौलिक अधिकार कहते हैं, इन्हीं को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है वहाँ पे। आई बात समझ में, ये हो गया बिल ऑफ राइट्स। और यहीं के बिल ऑफ राइट्स, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से हमने मौलिक अधिकार ग्रहण किए हैं, अपने भारत के संविधान में लिए हैं। ठीक है, और भारत के संविधान के भाग किस भाग में है, भाग 3 में ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल 12-35 तक ये मौलिक अधिकार वर्णित है। आई बात समझ में, ये हुई बैकग्राउंड इतनी, कहाँ से आए कैसे आए ये सब आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन कि इन्हें मौलिक अधिकार ही क्यों कहा जाता है, इन्हें अपन मौलिक अधिकार ही क्यों कहते हैं, इसका मतलब इन्हें कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, लीगल राइट्स क्यों नहीं बोलते, मौलिक अधिकारों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम मौलिक शब्द की डीपली में समझना होगा कि मौलिक शब्द का अर्थ क्या है, मौलिक का मतलब क्या है। मौलिक का अर्थ होता है आधारभूत अधिकार, ऐसे अधिकार जिनको आधार पर रखकर हमें बाकी सब कानून बनाना है, ऐसे सब कानून बनाना है जो इसके पक्ष में हो, परोक्ष में ना हो। ठीक है, किसी कोई भी कानून बनाए तो उससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ठीक है, हमें ऐसे बाकी सब कानून बनाने हैं। आई बात समझ में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार में सबसे पहले बात कही गई है कि इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरा, इनमें संविधान संशोधन के अलावा और कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, केवल इनको बदला जा सकता है केवल संविधान संशोधन के द्वारा और अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन के द्वारा नहीं। दूसरी बात हो गई, ठीक है, पहली बात उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, नॉट बी वायलेटेड। ठीक है, दूसरा केवल संविधान संशोधन हो सकता है इसमें और किसी प्रकार का संशोधन इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, और तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार में तीसरी बात जो कही गई है वो ये है कि वाद योग्य मतलब जस्टिसिएबल होते हैं। वाद योग का अर्थ क्या है, वाद योग, न्याय योग, मतलब जिन पर वाद विवाद किया जा सकते हैं। सीधा वर्ड का मतलब आप समझिए कि इनके उल्लंघन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हमें न्याय दीजिए। किंतु अभी आगे अपन DPSP पढ़ेंगे, जब उसमें वो वाद योग्य नहीं होते हैं क्योंकि राज्य के लिए वो निर्देश दिए जाते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, शुड बी, करना ही है, नहीं करना ही है, वो है मौलिक अधिकार कि आपको ये करना ही है। ठीक है, राज्य का ये दायित्व होगा कि उसे ये करना है, और जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो शुड भी होते हैं कि ऐसा आप राज्य को अच्छा बनाने के लिए ये प्रावधान आप कर सकते हैं। ये हो गई
तीन बातें अपनी, ठीक है। मौलिक अधिकार का समझ आया, आधारभूत अधिकार जैसे आपने फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी होंगी जिनसे मिला के बाकी सब यूनिट्स बनाई जाती हैं, वैसे ये अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार जो बहुत आधारभूत होते हैं। कोई भी हम कानून बनाएंगे तो इनको ध्यान में रखकर बनाएंगे कि इनका उल्लंघन ना हो किसी भी प्रकार के कानून से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब संविधान द्वारा हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अपन देख लें वो कौन कौन से हैं। छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। पहला समता का अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। पांचवा दिया कौन सा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, ये पांचवा। और छठवा जो है वो दिया है वैधानिक उपचारों का अधिकार, वैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये हम उनको कुल छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान ने जो भारतीय नागरिकों को दिए हैं, ठीक है। छह मौलिक अधिकार, पहला समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल किन कौन कौन से आर्टिकल्स में है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, कुल कितने आर्टिकल आते हैं समता के अधिकार में, इक्वालिटी वाले में 5 आर्टिकल। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो कहां से कहां तक दिया गया है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 में कुल आर्टिकल्स कितने आते हैं, 4 आते हैं, ठीक है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दिया गया है आर्टिकल 23 से 24 तक, कुल 2 आर्टिकल आते हैं इसमें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया गया है आर्टिकल 25 से 28 तक, कुल 4 अधिकार आते हैं इसमें, 4 मौलिक अधिकार, ठीक है, 4 अनुच्छेदों की बात की है, सॉरी। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 30, 2 आर्टिकल्स में इनका वर्णन है जिसमें टोटल 2 आर्टिकल। वैधानिक उपचारों का आर्टिकल 32, इतनी बात समझ में आई। ये है कुल 6 अधिकार। सबसे पहले रिवाइज करें फिर से, समता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसको एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको साथ साथ राइट ऑफ माइनॉरिटीज, इसको राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज भी कहा जाता है, ठीक है, अल्पसंख्यकों का अधिकार भी इसे कहा जाता है, किसको, संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार को, आई बात समझ में। इसके बाद लास्ट अपने कौन सा है, वैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात अपन के दिमाग में उठती है कि जब भारतीय संविधान बना था, बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो उस समय बात आती है कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने, कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा था, एक दिया था 19(1) के सब क्लॉज एफ में संपत्ति का अधिकार, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ये दिया था मौलिक अधिकारों के 19(1) के एफ में, ठीक है। किंतु इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर आर्टिकल 300A 300 का में
रख दिया और इसे एक लीगल राइट बना दिया, एक कानूनी अधिकार बना दिया। इसके पीछे लंबी कहानी है, कभी आगे बताएंगे आपके लिए, ठीक है? जब मेंस का पढ़ेंगे तब समझाएंगे। अपने पास पहला संविधान संशोधन निकल के आ गया, कौन सा? 44th CA 1978, ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय, तब हुआ था ये, ठीक। और इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब सबसे पहले हम एक बात समझें कि मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार इनमें अंतर क्या है, क्यों इन्हें मौलिक कहते हैं, क्यों कानूनी कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो आपको एक उदाहरण से बताते हैं। जैसे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमसे कोई व्यक्ति, जैसे सबसे पहले अपन बात करें कि कानूनी अधिकार है, कानूनी का अधिकार जो है कोई व्यक्ति हमसे नहीं छीन सकता, किंतु सरकार हमसे कानूनी अधिकार छीन सकती है। लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो ना कोई व्यक्ति छीन सकता है, ना ही कोई सरकार हमसे छीन सकती है, ये शर्त होती है। परंतु उसमें भी एक कंडीशन होती है कि सरकार कब तक नहीं छीन सकती है, बहुत रेयर कंडीशन में सरकार मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है या उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। निलंबित कर सकती है, क्या निलंबित मतलब? सस्पेंड, टू बी सस्पेंड। और प्रतिबंध लगाना मतलब रिस्ट्रिक्शन या बैन करना उनको, ठीक है, टू बी बैन। ओके, अब अपन इस बात को समझते हैं कि निलंबन कब कर सकती है मौलिक अधिकारों को। तो निलंबित तब कर सकती है, जैसे अपन एक उदाहरण समझें कि भाई आप आयोग के बाहर है, कोई भी PSC MPPC आयोग है, आप उसके बाहर धरना आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि मुझे नौकरी दीजिए, आप नौकरी नहीं निकाल रहे, बहुत जोर शोर से प्रचार चल रहा है, ठीक है, आपका अधिकार है, आर्टिकल 19 में ये बात कही गई है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन, कोई बात नहीं। किंतु अब आप सोचिए, चाइना ने या पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और यहाँ आप अपना अधिकार मांग रहे हैं, आप नौकरी मांग रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर सरकार ऐसी जगह पर सस्पेंड कर सकती है हमारे कुछ टाइम के लिए मौलिक अधिकार। निलंबन मतलब कुछ टाइम के लिए बैन लगाना कि आप अभी नहीं कर सकते ये चीज़ें, जब तक आक्रमण हो रहा है या जब तक हम वहाँ व्यस्त हैं, जब वहाँ से फुर्सत होंगे तो आपकी बात भी देखी जाएगी, वहाँ निलंबित कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रतिबंध कब लगा सकते हैं मौलिक अधिकारों पर। तो जैसे बात करें अपन तीन तलाक मुसलमानों के कानून था, एक मुस्लिमों का तीन तलाक, ठीक है, वो आप मानिए, आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके धर्म ये बात कही गई है, आपको रोका नहीं जाएगा। किंतु कोई अधिकार अगर ऐसा हो जो अमानवीय हो, तीन तलाक, इसमें औरतों की जिंदगी नर्क हो जाती थी, बाकी महिलाओं जैसे उनको समानता नहीं मिलती थी, तो इस ऐसे अधिकारों को जो अमानवीय हैं उन पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ऐसे मौलिक अधिकारों पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। आई बात समझ में, कब निलंबित कर सकती है, कब प्रतिबंध लगा सकती है, ये दोनों कंडीशन मैंने, ठीक है, ये समझ आ गया आपको मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकारों में अंतर, ठीक है। और ये संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी, इसके पीछे लंबी कहानी है, समानता स्थापित करने के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्योंकि जब आज़ादी की बात हो रही थी, आज़ादी की लड़ाई की, तो नेहरू जी ने सबसे वादा किया था कि सबको समानता देंगे, सबके लिए समानता लाएंगे। भारत में पहले जमींदारी प्रथा थी, उस सबको समाप्त करने के लिए ये अधिनियम लाया गया, ये अमेंडमेंट लाया गया और ऐसा किया गया, और इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो हम मौलिक अधिकारों को समझने से पहले कुछ उनके बारे में जान लें। मौलिक अधिकारों को ना अपन दो भागों में बांट सकते हैं, पहला कौन से जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, और दूसरे कौन से जो भारतीय एवं विदेशी दोनों जहां के नागरिकों को दिए गए हैं। सबसे पहले वे अधिकार जो केवल FR जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं उनकी बात करें तो वो कौन कौन से हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो है कि ये आर्टिकल जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है। अब दूसरे बार बात करें जो भारतीय प्लस साथ में विदेशी नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है, ये कौन कौन से आर्टिकल है, ये 14, 20, 21, 23, 24 और 25, 26, 27 और 28, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो भारत और विदेशी दोनों यहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों बांटना पड़ा आखिर, कि कुछ अधिकार केवल भारतीयों को, कुछ जो है दोनों को दिए, भारत में विदेशी दोनों जहाँ के नागरिकों को। तो इसकी भी कुछ कंडीशंस, जैसे आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 15 में कुछ शिक्षा से संबंधी रिजर्वेशन की बात कही गई है,
कि भारतीयों को कुछ शिक्षा में रिजर्वेशन मिलेगा जो पिछड़े हैं। तो रिजर्वेशन तो केवल अपन अपने यहाँ के नागरिकों को ही दे सकते हैं जो अपने भारत के हैं, ठीक है, विदेशियों को तो देंगे नहीं, इसलिए ये जो आर्टिकल है केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसके बाद आर्टिकल 16, इसमें रोजगार में आरक्षण की बात की, इसलिए केवल भारतीयों को प्राप्त है। अब आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 में अपन को बहुत सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये सब दी गई हैं। तो अब आप खुद सोचिए, जैसे कोई भारत, अगर ये अपन विदेशी नागरिक को खुद दे देते आर्टिकल 19, तो पाकिस्तान से कोई नागरिक आ गया, उसने कोई अपना न्यूज़पेपर शुरू कर दिया, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता है उनको भी, तो उसने अपना कोई न्यूज़पेपर छाप दिया और न्यूज़पेपर भारत विरोधी कुछ तत्व डाल दिए उसमें, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिक को दिए गए। और 29-30 ये अल्पसंख्यकों के आरक्षण के बारे में कुछ बात की गई है, इसलिए ये भी केवल भारतीयों को दिए गए। आई बात समझ में? इसलिए इन्हें बांटा गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन शुरू करते हैं आर्टिकल्स को समझना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स में पहला आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 12। इसमें क्या दी गई है, इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इसमें दी गई है राज्य की परिभाषा क्यों देनी पड़ेगी, रीजन बताते हैं। आप देखेंगे आगे जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे, इनमें हर बार ये बात आएगी कि राज्य ये करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा। तो राज्य के अंतर्गत आएगा क्या, मतलब किसे हम राज्य कहेंगे, क्या जो हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनको, या कुछ और, या पूरे भारत को? तो ये डाउट क्लियर करने के लिए ये आर्टिकल डाला गया, ठीक है, कि राज्य आखिर कहेंगे किसे। तो इसमें बात की गई है, कुछ तत्व दिए गए, जैसे केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार, इनको अपन बांट के याद करें, केंद्र सरकार, दूसरा राज्यों की सरकार, ठीक है, और संसद, राज्यों के विधानमंडल एवं परिषद, दोनों जिन राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद, स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत वगैरह, स्थानीय निकाय, और जहां जहां केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, जहां जहां सरकारी शब्द आगे लगा है कि सरकारी बिल्डिंग है या सरकारी स्कूल है, ये समझ लीजिए आप, केंद्र से लेकर ग्राम पंचायत है, हर वो चीज जहां सरकार का हस्तक्षेप है, जहां सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, वो सब राज्य के अंतर्गत आएगा, चाहे वो सरकारी स्कूल ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी, जैसे ONGC की बात करें, ONGC सरकारी कंपनी है, ये भी उस राज्य के अंतर्गत आएगी, सरकारी स्कूल कोई है वो भी उस राज्य के अंतर्गत आएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि जैसे अब सरकारी स्कूल है, वो भी कोई ऐसी विधि ना बना दे जो मौलिक अधिकारों के संगत हो, आई बात समझ में, इसीलिए वो राज्य के अंतर्गत आएगा, आई बात समझ में। ये सब चीजें आएंगी, ये इतनी बातें कही गई हैं जो राज्य के अंतर्गत आएंगी, जो भी सरकारी संस्था, जहां जहां सरकार का इन्वॉल्वमेंट है वो राज्य कहलाएगी, बस आप इतना याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये हो गया अपना आर्टिकल 12 समझ आया। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आर्टिकल नंबर 13। इसमें क्या दिया गया है, इसमें मौलिक अधिकारों से असंगत एवं इनके अल्पीकरण करने की विधियां दी गई हैं। मतलब अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रही है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो उनके अल्पीकरण या अल्पीकरण करने की विधियां इसमें दी गई हैं, कि उसे कैसे हटाया जा सकता है, उसे कैसे कम किया जा सकता है, या कैसे उसे खारिज किया जाएगा, ये बात की गई आर्टिकल 13 में। तो आर्टिकल 13 के सब क्लॉजेस जो हैं वो अपने काम के हैं, ठीक है। सबसे पहले 13(1) जो है, 13(1), इसमें ये जो है आजादी के पहले की इसमें बात की गई है, कि भारत की आजादी के पहले जो भी ऐसे कानून थे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे उन्हें राज्य शून्य मानेगा, ठीक है, ये बात की गई 13(1) में। अब 13(2) में की अपन बात करें, तो 13(2) में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, अगर ऐसी कोई विधि बनाता है तो वह उस हद तक, उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी। जैसे राज्य ने एक कानून बनाया, एक पैराग्राफ को अपन मान लिए, कानून बनाया पूरा, लिखा है उसमें कि ये करना होगा, अब अपन ने ये देख लिया कि उसमें आधा तो सही है जो मौलिक अधिकारों के संगत है, लेकिन आधा जो है उससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो चाहे तो आधा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो आधा हटा देगा और बोल देगा कि आधा आप लागू कर सकते हैं, बाकी नीचे का नहीं, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों से असंगत है, ये
इसका यही मतलब है कि उस हद तक शून्य मानी जाएगी जिस हद तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। ये की गई है आर्टिकल 2 में बात। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, जैसे आर्टिकल 2 में कहा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, तो संविधान जिनने बनाया बहुत दिमाग वाले रहे, ठीक है। तो इसमें दी गई है विधि की परिभाषा क्या होगी, विधि की परिभाषा इसमें दी गई है, ठीक है, कि विधि आखिर किसे कहेंगे, कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा तो विधि का केवल कानून को कहेंगे कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, तो अध्यादेश पारित करके ऐसा कानून बना देगा। तो यहाँ बताया गया कि विधि में आखिर क्या क्या आएगा, तो विधि के अंतर्गत कोई भी कानून, नियम, अध्यादेश, रूढ़ी, प्रथा, कुछ भी चीज हो, ये सब विधि के अंतर्गत आएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये की गई बात आर्टिकल 13(3) में। और आर्टिकल 13(4) है, इसमें एक संशोधन हुआ था, इंपॉर्टेंट नहीं होता फिर भी अपन देख लें। इंदिरा गांधी ने एक संशोधन करवाया था, कौन सा, 24 सी 1971, ठीक है, 24वां संशोधन से ये बात जुड़ी गई थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि इस भाग की कोई भी बात अनुच्छेद 367 पर लागू नहीं होती, ठीक है, इसका इस अनुच्छेद का संबंध 367 से नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत विवाद चला था 1971 के पहले, संशोधन के पहले तक, ये जो संविधान संशोधन वाला आर्टिकल है वो भी इस विधि के अंतर्गत आता है। तो अगर ये ऐसा होता तो अपन मौलिक अधिकार में भी संशोधन नहीं कर पाते, अगर वो संविधान संशोधन वाला आर्टिकल भी इसके अंतर्गत आता, नहीं कर पाते, क्योंकि उससे भी, और ये अगर संशोधन नहीं कर पाते तो हम समाज में समानता नहीं ला पाते, वो समानता लाने के लिए ये बात जरूरी थी डालनी, ठीक है, लोगों में समानता स्थापित करने के लिए भारत के नागरिकों में। ये हो गई अपनी आर्टिकल 13 की बात। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 14 की। अब आ जाते हैं अपन अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समता। एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल जो 14 है ये दो चीजों की बात करती है, कौन कौन से, एक विधि के समक्ष समता और दूसरी विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, ये दो बात करता है, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ईपीएल ईवीएल, ये बात याद रखिए दो चीजें। अब विधि के समक्ष समता ये जो है, ये जो है ये लिया गया है हमारे संविधान में यूएसए से, ठीक है, ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है ये वाली कंडीशन, विधि के समक्ष समता। और इसके जो प्रतिपादक हैं ये किसने दिया था, डायसी, याद रखिएगा ना, डायसी ने ये विधि के समक्ष समता वाला कॉन्सेप्ट दिया था। और अब दूसरी बात करते हैं विधियों का समान संरक्षण, तो ये कहाँ से लिया था अपन, ये यूके से लिया था, इंग्लैंड के मॉडल से, कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल से, यूके के मॉडल से लिया विधि का समान संरक्षण। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या है, इक्वल प्रोटेक्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि संविधान सभी नागरिकों को एक समान नजर से देखेगा, सभी पर एक समान कानून लागू होगा, हर नागरिक पर, भारत के हर नागरिक पर एक समान कानून लागू होगा, ये कौन बात करता है, विधि के समक्ष समता। और दूसरी क्या है, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण ये बहुत ही आईएमपी आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, याद रखिएगा। विधियों का समान संरक्षण कहता है कि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अब कैसे देखिए, अब भारत में देखेंगे कि कई बहुत अमीर लोग मिल जाएंगे आपको, तो कई बहुत ही गरीब लोग मिल जाएंगे, समानता भारत में नहीं है, तो सब पर एक समान कानून कैसे लागू कर दें, पहले इनका भी उत्थान करो भाई, पहले इनको भी समान लेवल पर लाओ, फिर सब पर समान कानून लागू किया जाए, वो बेटर होगा। तो विधियों का समान संरक्षण यही बात करता है, क्या बात करता है कि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, ठीक है। तो इसी के थ्रू, विधियों का समान संरक्षण के थ्रू ही, जैसे आपको पता होगा मैटरनिटी लीव मिलती है महिलाओं को 6 महीने की, ठीक है, मातृत्वावकाश, बच्चों के लिए शिक्षा फ्री देते हैं, 6 से 14 वर्ष वाले बालकों के लिए शिक्षा फ्री रहती है, और तीसरी बात क्या, SC ST के लिए विशेष अधिकार बना सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं, वो इसी के माध्यम से निकल कर आया है, ठीक है। और ये जो अधिकार है, एक बात और इसमें याद रखिएगा, विधियों का समान संरक्षण ये सरकार को, राज्य को, भारत के नागरिकों के बीच भेदभाव करने की अनुमति देता है, किंतु वह भेदभाव जो है वह लोगों में समानता, उसका उद्देश्य जो है लोगों में समानता स्थापित करना होना चाहिए, उस आधार पर भेदभाव आप कर सकते हैं, ये आर्टिकल ये अनुमति देता है राज्य को, सरकार को। आज बात समझ में, आर्टिकल 14 ये इतना कहता है, इतनी बात इसमें दी गई है।
अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए। तो आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में ये दिया गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये की गई है आर्टिकल 15 में बात। आर्टिकल 15(1) की अपन बात करें, अब आर्टिकल 15(1) में क्या कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये बात की गई 15(1) में, ठीक है। अब 15(2) की बात करें, 15(2) में क्या कहा गया है? 15(2) कहता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क, रेल या दुकान पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति से, ये करता है आर्टिकल 15(2) बात, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15(3), ये अब याद रखिएगा, ये संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ये जोड़ा था किसने? नेहरू जी के टाइम पर हुआ था, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 3 नहीं, आर्टिकल 4 जोड़ा था, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहा गया है कि राज्य जो है अब नागरिकों के उत्थान के लिए कुछ विशेष, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रतिबंध बना सकता है, ये बात की गई है आर्टिकल 15(3) में। अब बात करते हैं आर्टिकल 15(4) में। आर्टिकल 15(4) जो है ये जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन से, ठीक है। तो वो कौन सा था पहला संविधान संशोधन?